Today we are going to study the topic from our chapter acid-base salt, pH. What is meant by pH? pH क्या होता है? आज हमें study करना है. तो जो pH होता है, जैसा कि indicator मैंने आपको बताया था कि pH values पे depend करता है कोई भी solution कितना acidic है या कितना basic है. तो pH जो होता है वो the full form of pH is potential of hydrogen. pH का जो full form होता है वो potential of hydrogen ion होता है किसी भी solution में. Okay? pH का use क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? pH is used to determine the acidic and basic strength of a solution. pH जो भी value हम determine करते हैं उसका use हम किसी भी solution के acidic और basic strength को नापने के लिए करते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है. ओके और पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब पीएच किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम निकालते कैसे हैं, जो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ऑफ एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. इस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन का कितना मोल है वो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा. कंसंट्रेशन को हम लार्ज ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं. कंसंट्रेशन को हम लार्ज ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं और pH को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ h प्लस आयन कंसंट्रेशन से हम निकालते हैं. क्योंकि क्लास 10 में आपको pH से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकालने के नहीं दिए हैं, लेकिन हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से निकालना इस टॉपिक के लास्ट में बताएंगे. यहाँ पे बेस 10 छिपा रहता है लॉग के और वो न्यूमेरिकल जब मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा तो लॉग के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं बताएंगे. लॉग आपने मैथमेटिक्स में भी क्लास 10th में 10th तक तो पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे लगेगा मैं आपको बताऊंगा. अगला जो लाइट ब्रैकेट है वो हमको कंसंट्रेशन बताता है कितना मात्रा है इसका साइन का है, या OH माइनस भी हम इससे निकाल सकते हैं कि कितना है इस सॉल्यूशन में. इससे हमको पता चलता है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा. pH values of aqueous solution vary from 0 to 14. pH value जो होते हैं किसी भी solution में वो 0 से लेके 14 तक vary करते हैं. अगर pH का value हम निकालते हैं वो 0 to 7 आता है, 0 to 7 के बीच में आता है तो जो solution होगा वो acidic होगा. तो solution कैसा होगा? acidic होगा. जिस solution का pH value 7 आएगा वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. उस सॉल्यूशन में ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ना तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी. और जो सॉल्यूशन 7 से 14 के बीच में वैरी करता है वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है. ऐसे सॉल्यूशन जिसकी प्रॉपर्टी ऐसा एक सॉल्यूशन जिसकी जिसमें पीएच वैल्यू 7 टू 14 के बीच में वैरी करता है उसको हम बेसिक प्रॉपर्टी वाले सॉल्यूशन कहेंगे. ओके अब